good afternoon to all of you Good afternoon everyone Rule number 19 10 rule number 14 twenty 5. Four, eighteen, seven. अच्छे साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एम्ब्रियो कल्चर लास्ट लेक्चर में हमने एंब्रियो कल्चर के बारे में पढ़ा था ठीक है एंब्रियो कल्चर में क्या है हमने उसके लिए न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स वगैरह देखी थी और न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट और साथ में हमने देखा था कि उसको कैसे जो है वो एक्सरसाइज किया जाता है मतलब कौन, कौन कौन सी कंडीशन में एम्ब्रियो को जो है वो कल्चर किया जा सकता है नंबर थ्री सेवेंटीन वीडियो साथ में लाइक like भी कर दें या तो फिर हम मेच्योर एम्ब्रियो कल्चर करते हैं या फिर इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर जो है वो देखा जा सकता है तो मेच्योर एम्ब्रियो कल्चर के लिए सिंपल मीडिया चाहिए होता है हमें जिसे हम बेसिक मीडिया जो वो बोल सकते हैं लेकिन इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर के लिए हमें यानी कि रेस्क्यू एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक्स जो हैं वो चाहिए होती हैं उसके लिए एक्सीजन जो एम्ब्रियो है उसको हम जब एक्सरसाइज करते हैं नॉर्मल प्लांट्स में से तब हाँ जी गुड आफ्टरनून जी प्रियंका रानी जब हम नॉर्मली उसको एक्सरसाइज करते हैं तब क्या होता है उसको बहुत ही तरीके से एक्सरसाइज जो है वो करना पड़ता है थर्टीन रोल नंबर तो दीज आर ऑप्शन की हम लोग जो वो अगर कोई चीज जैसे नॉर्मल एम्ब्रियो जो है वो नहीं पाए तो हाइब्रिड एम्ब्रियो या इंटर स्पेसिफिक या फिर आ, इंटरस्पेसिफ़िक या इंटर जेनरिक जो बन रहा है अगर वो नहीं ग्रो हो पाए तो हम उसे क्या करते हैं कल्चर कर देते हैं कल्चर करके जो है वो अच्छे से ग्रो हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पास हाइब्रिड प्लांट जो है वो मिल जाता है तो बहुत सारे ऐसे बैरियर्स होते हैं जो कि इंटरस्पेसिफ़िक uh, और इंटर जेनरिक जो क्रोसेस हैं उनको जो है सक्सेसफुल नहीं होने देते तो उन बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए कल्चर किया जाता है तो मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है और ऑक्सीजन ऑफ एम्ब्रियो तो ये प्रोसेस बताई गई है कैप्सिकम में तो कैप्सला उसमें एम्ब्रियो की स्टेजेस बताई गई हैं एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी बताई गई हैं कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए होती हैं कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड मिनरल साल्ट नेचुरल प्लांट प्रोडक्ट्स ये चीज़ें चाहिए होती हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स पी एच ओफ़ द मीडियम वो भी मेनटेंड होना चाहिए कल्चर और कल्चर इन्वामेंट जो है उसमें कितने डिग्री टेम्परेचर जो वो चाहिए होता है और कितने दिन के लिए रखना पड़ता है एप्लीकेशंस तो एप्लीकेशंस भी आप पढ़ चुके हो तो रेजिस्टेंट प्लांट बनाने में ये हेल्प करता है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एबसेंट हैं वन रोल नंबर एट एंड नाइन रोल नंबर सिक्स रोल नंबर एलेवन ट्वेल्व एंड सिक्सटीन रोल नंबर चलो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्लांट टिश्यू कल्चर तो प्लांट टिश्यू कल्चर स्टार्ट करने का मतलब ये है कि ये जो कल्चर है जो कल्चर नाम का टॉपिक है ठीक है ये प्लांट टिश्यू कल्चर के अंडर आना चाहिए था लेकिन इसको कल्चर जो है वो ऊपर वाली यूनिट जो पिस्टल प्लांट पिस्टल इंटरेक्शन है उससे जो नेक्स्ट यूनिट है एंडोसफॉम डेवलपमेंट एंड सीड डेवलपमेंट तो उसमें ऐड कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पे एम्ब्रियो का टॉपिक ऑलरेडी प्रेजेंट था ठीक है एम्ब्रियो के टॉपिक होने के कारण जो अब उसको वहाँ पे बताया गया कि ये एम्ब्रियो कल्चर भी साथ में स्टडी किया जाए तो प्लांट टिश्यू कल्चर जो वो होता गया है हाँ जी रोल नंबर ट्वेल्व प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो क्या होता है अगर इसकी बात करें तो प्लांट टिश्यू कल्चर इज़ द आर्टिफिशियल ग्रोइंग ऑफ एनी काइंड ऑफ टिश्यू इनटू द होल प्लांट उसे पूरे के पूरे सक्सेसफुल प्लांट में ग्रो करने को ही हम क्या बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं तो एक्सपेरिमेंटली जो है वो इसके ऊपर जो काफ़ी रिसर्चेज हो चुकी हैं इसमें क्या क्या रिसर्चेज जो इसके है इसके ऊपर हुई हैं एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी एस्टेब्लिश द इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द एम्ब्रियोलॉजी एंड देयर डिस्प्लिन ऑफ अदर डिसिप्लिन ऑफ बॉटनी स्पेशली जेनेटिक्स एंड फिजियोलॉजी एंड केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री तो ये सारी जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं ठीक है थीके? तो एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी जो है वो उसके साथ ये सारे बाकी के डिसिप्लिन ऑफ बॉटनी जो है क्या है इंटरकनेक्टेड है इट हैज़ ऑल्सो मेड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ कंसिडरेबल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन प्लांट प्लांट इम्प्रूवमेंट सम एस्पेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी विज पोलन जर्मिनेशन पोलन ट्यूब ग्रोथ जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एंड इन पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन एंड टू स्पोम कल्चर ठीक है एंडोस्पॉम कल्चर जो है वो हम इसके अंदर थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो जो वो हम डिस्कस कर चुके हैं उनको क्या क्या चाहिए होता है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस ठीक है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होती है एंड हैव बीन डिस्कस्ड एल्सवेयर इन द बुक तो इसमें बुक में इतना ज़्यादा डिस्कस किया गया है तो इस वाली बुक में जो आपकी भोजवानी एंड भटनागर की जो बुक है उसमें क्या क्या डिस्कस किया जाएगा हेप्लोइड प्रोडक्शन प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर एम्ब्रियो कल्चर न्यूसेलस कल्चर ओब्यूल एंड सीड कल्चर कल्चर इफेक्ट ऑफ सीड नाइन रोल नंबर कुछ बच्चे जो है ना वो अटेंडेंस लगा के सीधा चले गए मैं बीच में अटेंडेंस लूँगी देखना तुम पार्थिनो कार्पी इसके बारे में भी स्टडी होगी जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है ये तो था जनरल इस बुक के बारे में कि इस बुक में ये ये चीज़ें जो अब डिस्कस की गई हैं अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे प्लांट टिश्यू कल्चर पे द नोटिसबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉज एंड्रियोलॉजी हैज़ बिन पॉसिबल थ्रू द टेक्निक्स ऑफ द प्लान टिश्यू कल्चर ठीक है प्लान टिश्यू कल्चर के साथ ही ये सारी टेक्नीस जो हैं बाकी की जो फील्ड हैं वो क्या कर सकते हैं प्रोग्रेस दिखा सकते हैं उसमें कुछ प्रोग्रेस हो सकती है इन विच द आइसोलेटेड प्लांट सेल टिश्यू ऑर्गन और होल प्लांट आर ग्रोन द न्यूट्रेंट मीडियम इन ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर ट्यूब फ्लास्क जार बैटरी प्लेट अंडर ए सेप्टिक कंडीशन प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है इसमें क्या होता है आइसोलेटेड प्लांट सेल या टिश्यूज़ या ऑर्गन और इवन होल प्लांट आर ग्रोन इन द न्यूट्रिएंट मीडियम ठीक है न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर किसी प्लांट टिश्यू को या प्लांट सेल को या ऑर्गन या फिर पूरे के पूरे प्लांट को हम ग्रो करते हैं इसके अंदर किसी कंटेनर के अंदर जो कि ग्लास हो सकता है प्लास्टिक कंटेनर आ, आ, क्या बोलते हैं ग्लास ट्यूब हो सकती है फ्लास्क हो सकता है जार हो सकता है पेट्री प्लेट हो सकती है उसके अंदर हम ग्रो कर रहे हैं तो उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं हम टिश्यू कल्चर और उसके अंदर क्या डाल रहे हैं न्यूट्रिएंट मीडिया सिंस दिस टेक्निक मे नॉट वेरी फैमिलियर टू मैनी इट इज ब्रीफली डिस्क्राइब बिफोर द डीलिंग विद द एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर एंड देयर इज देर आर थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द टेक्निक्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर नेमली न्यूट्रेंट मीडिया ठीक है न्यूट्रेंट मीडिया के बारे में आप कल भी पढ़ चुके हो एम्ब्रीकल्चर में भी न्यूट्रेंट मीडिया के बारे में पढ़ाया था कि इसको रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है तो न्यूट्रेंट मीडिया कल भी पढ़ाया आपने मेंटेनेंस ऑफ ए सेप्टिक कंडीशन ये चीज़ आप नहीं पढ़ोगे ए रेशन ऑफ कल्चर्ड टिशूज ठीक है कल्चर टिश्यूज़ की जो ए रेशन है उसका ध्यान रखा जाता है तो ये है आपके पास ये चीज़ कि न्यूट्रिएंट मीडिया न्यूट्रिएंट मीडिया जो है वो क्या होता है उसके अंदर क्या क्या डाला जाता है तो न्यूट्रिएंट मीडिया दूसरा का होता है एक होता है बेसल मीडिया ठीक है और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स मीडिया बेसल मीडिया जिसमें सिंपल कंपाउंड्स जो चाहिए होते हैं हर एक प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए तो उसको हम बेसल मीडियम बोलते हैं या वेसल मीडिया कहते हैं और दूसरा जो वो कम्प्लेक्स मीडिया जो कि उसमें एडिशनल सब्सटेंसेस भी चाहिए होते हैं मैनी मैनी रिसीव्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मीडिया बीन डेवलप्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम तो इसके बहुत सारे रेसिपीज रेसिपीज़ क्यों बोल बोला गया है रेसिपीज़ मतलब एक तरीके से हम जैसे डिश बनते हैं ना कोई इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं वैसे ही जो न्यूट्रिएंट मीडिया होता है उसके अंदर भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं इसलिए रखा गया है इसको यहाँ पे एवरी टिश्यू एंड ऑर्गन हैज़ इट्स रिक्वायरमेंट फॉर द ऑप्टिमल ग्रोथ एंड दीज नीड टू वर्क आउट वेन द स्टार्टिंग वर्क विद अ न्यू सिस्टम हाउ एवर द मोस्ट ऑफ द प्लान टिश्यू कल्चर मीडिया कंटेन इनआरगेनिक साल्ट क्या क्या चाहिए जो मोस्ट ऑफ द टिशू कल्चर मीडिया है उसके पास in inorganic salt of major and minor elements. तो इन ऑर्गेनिक साल्ट ऑफ मेजर एंड माइनर एलिमेंट्स इनआरगेनिक साल्ट के साथ इनआरगेनिक साल्ट किसका होना चाहिए मेजर और माइनर जो आ, मतलब ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है एलिमेंट एक उनका और जो कम अमाउंट में ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं उनका साल्ट इनऑर्गेनिक साल्ट सेकंड क्या है विटामिन्स एंड सुक्रोज ठीक है इन साल्ट विटामस चाहिए सुक्रोज चाहिए तो आगे टेबल जो है वो बताया गया है हाँ जी सिक्स रोल नंबर मंदीप कुमारी उससे नेक्स्ट क्या चाहिए हमें ए मीडिया विद दिज इंग्रेडिएंट विल बी रेफर एज द बेसल मीडिया ये सारे इंग्रेडिएंट होने के बाद उस मीडिया को क्या बोलते हैं हम बेसल मीडिया बोलते हैं क्या क्या होना चाहिए उसमें इनऑर्गेनिक साल्ट ऑफ मेजर एंड माइनर एलिमेंट्स और विटामिन्स एंड सुक्रोज ये चीज़ें प्रेजेंट हैं तो उसे हम बोलेंगे बेसल मीडिया एंड सम ग्रोथ रेगुलेटर्स सच एज ऑक्जेंस साइटोकाइन एंड जिबलिन में ऑल्सो भी एडिड टू द वेसल मीडियम तो इन में वेसल मीडिया में जो भी ये सारी चीज़ें एड की जा सकती हैं ये क्या है ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं ऑक्जिन्स हैं साइटोकाइन है जिबलिन है ये क्या है दीज आर ग्रोथ रेगुलेटर्स फॉर द प्लांट आर ऑल्सो एडिड टू द वेसल मीडिया अदर अलोन और इन बेरियस कॉम्बिनेशन या तो फिर इनको ऐसे ही एड uh, किया जाता है या फिर वेरियस कॉम्बिनेशन में इसको रखा जाता है एंड नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट सच एज कोकोनट मिल्क मिल्क वेरियस फ्रूट जूसेस केसिन हाइड्रोलाइसेट्स केसिन हाइड्रोलाइसेट्स ठीक है तो केसिन प्रोटीन जो है वो किस में पाया जाता है मिल्क में पाया जाता है और ईस्ट एक्सट्रैक्ट एंड हैज़ ऑल्सो बीन यूज एज ए सप्लीमेंट फॉर द वेसल मीडिया फॉर ग्रोइंग सम टिश्यूज़ ठीक है कुछ एक टिश्यूज़ को ग्रो करने के लिए इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है कोकोनट मिल्क वेरियस फ्रूट जूसेज फ्रूट जूसेज़ का यूज़ भी, यूज भी किया जाता है क्योंकि फ्रूट जूसेज में क्या क्या होता है विटामिन एंटी ऑक्सीडेंट्स विटामिन होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होते हैं टिशू कल्चर के लिए किसिनड्रोलाइसिट यूज़ किया जाता है और ईस्ट का एक्सट्रैक्ट भी यूज़ किया जा सकता है एंड ऑल द कंस्टिचुएंट्स ऑफ द मीडिया आर डिज़ोल्ड इन द डिस्टिल्ड वाटर ये सारे के सारे कॉन्स्टिचुएंट किस में डिज़ोल्व किए जाते हैं डिस्टिल्ड वाटर में डिजोल्व कर दिए कर जाते हैं और फ नेसेसरी द मीडियम इज सॉलिडिफाइड विद जीरो जीरो पॉइंट एट परसेंट अगार अगर जरूरी चाहिए होगा अगर चाहिए होगा कि जो हमारा टिश्यू है वो फ्लोटिंग रहे मतलब ऊपर ही रहे ठीक है जो कल्चर मीडिया के सरफेस के ऊपर रहे तो हम क्या करते हैं उसमें जीरो पॉइंट एट परसेंट अगार जे मिला देते हैं तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में प्लांट पैथोलॉजी में कल्चर मीडिया तैयार किया होगा पी मीडिया जो वो तैयार किया होगा किया है ना सभी ने बताइए जिसने नहीं किया है वो भी बताइए कल्चर मीडिया जो है वो तैयार करने की टेक्निक करी है ना अपने लेमिनार एयर फ्लो के साथ कमेंट करिए आपको पता है तो पी मीडिया बनाया था आपने फर्स्ट सेमेस्टर में यस yes, मैम किया है सिर्फ एक बच्चे ने किया है दो तो उसमें आपने क्या क्या ऐड किया था हाँ जी तो उसमें आपने क्या क्या ऐड किया था कुछ याद है तो बताइए क्या क्या ऐड किया था आपने उसमें जो आपने मीडिया जैसा बनाया था पीडीए मीडिया बोला बोला था आपने उसको तो एक तो आपने उसमें पोटैटो एक्सट्रैक्ट डाला था ठीक है पोटैटो और अगार पोटैटो एक्सट्रैक्ट डाला था ग्लिसरीन भी डाला था अच्छा और गलसरीन का तो मुझे याद नहीं बस पोटैटो और अगार जल जो है वो ज़रूर मिलाए जाते हैं और अगार जल जो है वो एक परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन में मिलाया जाता है और पोटैटो भी परफेक्ट जो वो क्वांटिटी में लिया गया था तो आपने उसमें क्या ऑब्ज़र्व किया था अगर आप उसको थोड़े दिन जो है वो लेमिनार एयर फ्लो में या फिर ग्लिसरीन नहीं मिलाया था तो ये ग्लिसरीन पता नहीं कहाँ से आ गया <coughs> तो उसमें मेन मेरा ये मोटो था पूछने का कि वो चीज़ आपने जो बनाई थी ना वो एक तरीके से कल्चर मीडिया था ठीक है किसके लिए आप जो है वो जो सॉइल फंजाई है उसको कल्चर कर रहे हैं या फिर जो अनदर जो आप एक्सट्रैक्ट कर करोगे फंजाई उसको जो है क्या कर सकते हो आप मतलब एक्सट्रैक्ट करते हो ठीक है तो वो चीज़ होती है वहाँ पे <coughs> तो इसलिए वो कल्चर मीडिया जो वो बनाया जाता है क्योंकि आप पर्टिकुलर जो पैथोजन है उसको फंजाई जो है उसको वहाँ पे ग्रो कर सकते हो तो आप माइक्रोबायोलॉजी के अंडर अगर आप किसी भी मतलब माइक्रोबायोलॉजी के अंडर या फंजाई जो एल्गी एंड फंजाई आपका जो सब्जेक्ट है उसके अंदर भी ये पी मीडिया वाला आप करते हो एक्सपेरिमेंट तो उसमें वो चीज़ बनाई थी आपने कल्चर मीडिया बनाया था वो ठीक है तो उससे कुछ एक चीज़ें जो वो मिलती जुलती होंगी यहाँ पे अगार जल तो अलग अलग तरीके की जो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको ग्रो करने के लिए अलग अलग तरीके का कल्चर मीडिया जो वो बनाया जाता है तो फंगस को ग्रो करने के लिए आपको जो वो अगार अगार जल और पोटैटो एक्सट्रैक्ट पोटैटो एक्सट्रैक्ट से क्या मिल रहा है स्टार्च और स्टार्च से ब्रेक डाउन करके वो क्या बना देंगी ग्लूकोज तो ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट थी वहाँ पे अब यहाँ पे साथ में एट जीरो पॉइंट एट परसेंट अगार के साथ साथ पीएच मीडिया जो है वो भी पी ऑफ द मीडिया इज एडजस्टेड टू द फाइव पॉइंट एट पी जो है मीडिया का वो भी एडजस्ट किया जाता है किसके साथ फाइव पॉइंट एट पी जो वो रखा जाता है एंड नो इक्वल क्वान्टिटीज ऑफ मीडियम इज डिस्पर्सड इन कल्चर वाइल्स एंड विच आर यूजली स्क्रैप्ड स्क्रीव कैप बॉटल्स एंड ये कल्चर वायल्स क्या होते हैं मतलब वो कंटेनर क्या क्या हो सकते हैं स्क्रू कैप बॉटल्स हो सकती हैं ये ग्लास ट्यूब्स भी हो सकती हैं पैटरी प्लेट्स भी हो सकती हैं आपने पैटरी प्लेट्स का यूज़ किया था और फ्लास्क फ्लास्क जो है वो उसको उसका यूज़ किया था आपने किसको आप, आप उसको जो वो पहले स्टरलाइज करते हो मीडिया में तो वो आपने फ्लास्क के साथ जो है वो स्टरलाइज किया था एंड द कल्चर ट्यूब एंड फ्लास्क कंटेनिंग द मीडियम कल्चर ट्यूब और फ्लास्क दैट कंटेनिंग मीडिया आर प्लग्ड विद द नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन रैप्ड विद चीज़ क्लोथ नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन जो है उसको उसके साथ प्लग लगाया जाता है उसको और चीज़ क्लोथ के साथ उसको आपने तो आई थिंक एलुमिनियम फॉयल के साथ उसको कवर किया था बट यहाँ पे चीज़ क्लोथ के साथ उसको कवर किया जाता है रैप किया जाता है सच क्लोजर अलोज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बट टू नॉट परमिट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन टू द कल्चर वाइल्स देखिए अगर हम कल्चर कर रहे हैं किसी चीज़ को तो ओबियसली हमें जो चीज़ जिसको हमने कल्चर करना है हमें वहाँ पर वो चीज़ चाहिए तो उससे अनदर आपको बताया कि एयर के साथ जो फंगस के स्पोर या बैक्टीरियल स्पोर जो है वो वहाँ पर आ सकते हैं तो उसको रोकने के लिए हम कॉटन प्लग जो है वो उस कंटेनर पर लगा सकते हैं और उसको चीज़ ग्लोथ के साथ क्या कर देंगे मतलब अगर कोई स्पोर्स वगैरह या बैक्टीरियल स्पोर या फंगल स्पोर या अनदर कोई भी चीज़ जो है वो इन्फ, इन्फेक्टेंट वहाँ पे आता है तो वो वहीं पे रुक जाता है चीज़ क्लोथ और कॉटन के बीच में ही फंस के रह जाएगा और गैसेस जो है वो भी एक्सचेंज हो जाएंगी ठीक है एरेशन प्रॉपर एरेशन जो वो चाहिए होती है एंड द न्यूट्रिय मीडिया ऑफ द कॉम्पोजिशन तो ये कॉम्पोजिशन जो वो अगले आपको मैं दिखा दूंगी टेबल में दिखाई हुई है बुक में और दे शुगर अभी कल्चर मीडिया जो उसमें क्या होता है स्पेशली सबसे पहले जो वो शुगर जरूर मिलाया जाता है किसी न किसी फॉर्म में वुड स्पोर्ट अ लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वहाँ पे शुगर है तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो हो सकते हैं वहां पे लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई रीचिंग द मीडियम and these organism grow much faster than the culture tissue and finally this is therefore extremely important to maintain the completely septic aseptic conditions inside the culture vials to hamare liye sabse zyada important kya hai ki agar hum culture media जो वो बना रहे हैं तो उस culture media को हम aseptic condition के अंदर रखें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल्चर किसी भी चीज़ को कल्चर करने से पहले हमें एसेप्टिक कंडीशंस जो है वो वो ज़रूर रखनी पड़ेंगी तो आपको मैं बताती हूँ कि एसेप्टिक कंडीशंस क्या होती हैं तो मैंने नोटिस किया है जब किसी इसको लाइव सेशन के डूरिंग अगर इसको जो बड़ा या छोटा कर, जूम या वो करती हूँ तो फिर थोड़ा सा चेंज आता है इसमें ब्लर हो जाती है इमेज आई थिंक तो ए सेप्टिक कंडीशन ए सेप्टिक कंडीशन में फर्स्ट है ये और साथ में टेबल भी बताया गया तो ये टेबल काफी लंबा चौड़ा है इसको वैसे ही मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या इन्ग्रीडियंट डाले हुए हैं इसमें और थर्ड पेज भी ऐड कर लेती हूँ इसका चलिए आते हैं अब एसेप्टिक कंडीशंस पे एसेप्टिक कंडीशंस जो हैं वो हम मेंटेन करेंगे एसेप्टिक कंडीशन मतलब कोई भी कंटेमिनेशन uh, नहीं चाहिए हमें एंड देयर देयर आर थ्री मेजर सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ द मीडियम कंटेमिनेशन तीन मेजर सोर्सेज से हो सकती है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट मे बी प्रेजेंट इन द मीडियम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड दे रिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चर वायल्स कंटेनिंग द मीडियम आर प्रॉपरली कैप्ड एंड ऑटोक्लेव्ड ठीक है अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम जो है वो स्टार्टिंग से प्रेजेंट है तो उसको क्या किया जाता है तो उससे बचने के लिए हम कल्चर वायल को बिल्कुल कैपिंग उसकी करते हैं और ऑटोक्लेब किया जाता है स्टीम हीटिंग ऑफ अंडर द प्रेशर तो आपको ऑटोक्लेब अच्छे से पता है कि ऑटोक्लेब कैसे किया जाता है वो स्टरलाइजेशन मशीन uh, होती है मशीन तो एक तरीके से इक्विपमेंट है वो जैसे प्रेशर कुकर की तरह काम करता है एक तरीके से

ठीक है या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उस कल्चर मीडिया में स्टार्टिंग में हो सकते हैं या फिर क्या हो सकता है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो कैरी आउट विद द अलोंग विद द टिश्यू दैट इज बीइंग कल्चर्ड या फिर उस टिश्यू के साथ आ सकते हैं जो कि जिसको कि हमने कल्चर करना है क्योंकि प्लांट का जो कोई भी टिश्यू है उसको हम फील्ड से ही कट करके लाएंगे तभी उसको लैब के अंदर जो है वो उसकी ग्रोथ अगे करेंगे ना तो ऑब्वियसली हो सकता है कि उसमें उसके ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गनिजम चिपका हुआ हो टू प्रिवेंट दिस तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं प्लांट मटेरियल फ्रॉम द विच द टिश्यू इज टू बी एक्साइज इज सरफेस स्टरलाइज उसको सरफेस स्टरलाइज करते हैं हम द मटेरियल इज फर्स्ट वॉश्ड विद द डिटर्जेंट एंड सरफेस स्टरलाइज्ड विद द सेचुरेटेड क्लोरीन वाटर उसको सेचुरेटेड क्लोरीन वाटर के साथ जो है वो सरफेस स्टरलाइजेशन करते हैं उसकी एंड अदर सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं जैसे नेसेंट क्लोरीन नेसेंट क्लोरीन भी यूज़ कर सकते हैं वो बाद में उड़ जाती है एंड सच एज डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइपो या मर्क्रिक क्लोराइड उसको भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ये जो वाले जो मटेरियल होते हैं ये वाले जो सॉल्यूशन होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए कह सकते हैं टॉक्सिक होते हैं अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम होगा भी तो वहीं पे उसकी जो है वो डेथ हो जाएगी वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा आफ्टर ट्रीटिंग विद द डिसइंफेक्टेंट डिसिनफेक्टेंट मटेरियल इज थोरोली वॉश्ड विद द स्टरलाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर टू रिमूव द ट्रेसिज ऑफ द क्लोरिन ठीक है क्लोरिन को रिमूव करने के लिए हम उसको अच्छे से डिस्टिल्ड वाटर से स्टरलाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर से हम उसको वॉश कर देते हैं इफ़ द मटीरियल इज़ फेयरली हार्ड देन एज़ आर फ्रूट्स एंड सीड्स इट मे बी सरफेस्टलाइज बाई रिंग विद एल्कोहल तो उसको सरफेस्टलाइज कैसे करते हैं हम अल्कोहल के साथ उसको रिंज करते हैं तो so, थर्ड इसका क्या हो सकता है कंटेमिनेशन का कारण जो है वह थर्ड क्या हो सकता है फाइनली द प्रिकॉशन मस्ट वी टेकन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म द क्लोजर ऑफ द कल्चर वायल देखिए दो चीज़ें कर रहे हैं हम या तो फिर उस वाले वो कंटेनर या फिर कंटेनर्स के साथ हो सकता है या कल्चर मीडिया के साथ हो सकता है या फिर लैब लैब वाले जो कंडीशन है वहाँ पे वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम प्रेजेंट हो सकता है जो कि कंटेमिनेटन कंटेमिनेशन फैलाए या फिर जो जो फील्ड से हम टिश्यू लेके आएंगे वहाँ पे हो सकता है या थर्ड कंडीशन हो सकती है कि जब हम उस चीज़ को रख रहे हैं कल्चर के लिए जब उसको क्लोज कर रहे हैं तब उस मीनवाइल वाइल उस टाइम जो है वो कोई भी कंटेमिनेट वहाँ पे बीच में मीडिया के बीच में घुस जाता है ट्रांसफर्स द टिश्यू टू द न्यूट्रिएंट मीडियम जब न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर जो वो टिश्यू को ट्रांसफर्स कर मतलब ट्रांसफ़र करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इनोकुलेशन फॉर दिस ऑल द ऑपरेशन फ्रॉम स्टरलाइजेशन ऑफ टिशू इनोकुलेशन इज डन इन एन एप्टिक इन्वाइड द लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट द एयर इज कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड बाय द फ्रेश तो इसीलिए लिएमिनार एयर फ्लो में आपको वो पोरिंग वगैरह जो या फिर क्लोजिंग ऑफ कल्चर बायल्स तो आपको बताया गया था ना आपने खुद किया था वहाँ पर लेमिनार एयर फ्लो के सामने बैठ के आपने वो चीज़ परफॉर्म की थी क्यों क्योंकि एमिनार एयर फ्लो जो है वो फ्रेशली एयर जो है वो टू द यूज़र वो फेंकता रहता है जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी डिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब अंदर की तरफ कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ सकता वहाँ पे स्टरलाइज्ड कंडीशन जो है वो होती है द फिल्टर स्टरलाइज्ड एयर जो वो फेंकता है वो एंड टेबल इनसाइड द इनोकुलेशन चैम्बर इज स्वैप्ड विद द एल्कोहल बिफोर यूज तो इनाकुलेशन चैम्बर जो होता है उसके अंदर मतलब अल्कोहल के साथ जो उसको स्वेब्ड किया जाता है एंड ड्यूरिंग द द नेक ऑफ द कल्चर वायल इज़ फ्लेम्ड इनोकुलेशन के टाइम जो नेक ऑफ़ द इनोकुलेशन कल्चर वायल उसको क्या किया जाता है फ्लेम दी जाती है थोड़ी सी एंड क्विक सक्सेशन एंड क्लोजर ऑफ द वायल रिमूव्ड तो तब उसके बाद जो वो क्लोज़र ऑफ द वायर रिमूव कर दिया जाता है एंड देन टिश्यू ट्रांसफर टू द मीडियम एंड द क्लोजर रिप्लेस्ड जो क्लोजर है उसको फिर क्या कर दिया जाता है रिप्लेस किया जाता है फिर दूसरा जो क्लोजिंग के लिए यूज़ किया जाता है कॉटन या जो चीज़ क्लोथ है इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू स्टरलाइज द ऑल द इंस्ट्रूमेंट यूज इन द इक्यूबेशन वाई डिपिंग दैम इन टू द एल्कोहल और फ्लेमिंग और यूज ओनली आफ्टर द कूलिंग ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें पता होनी चाहिए तब जाके हम टिश्यू कल्चर कर सकते हैं ठीक है अब आते हैं टिश्यू कल्चर की एसेप्टिक कंडीशन के अंदर वो तो एसेप्टिक कंडीशन में क्या क्या आएगा मैं आपको बताती हूँ विद नोट्स नोट्स को देख के बताना पड़ेगा तो ऑटो क्लेब वगैरह के बारे में हम डिस्कस कर कर ही चुके हैं तो और दूसरा हमने ये डिस्कस किया कि अल्कोहल के साथ जो वो रिन्ज कर सकते हैं मटेरियल को ठीक है अल्कोहल के साथ जो है वो रिंस कर सकते हैं जो फ्रूट्स एंड सीड्स हैं तो वो अल्कोहल कौन सा होना चाहिए नाइन्टी फाइव परसेंट अल्कोहल इथेनॉल ठीक है नाइन्टी फाइव परसेंट अल्कोहल कोई भी और जो डिटर्जेंट हैं वो कोई भी कर सकते हैं लाइजोल ज़ेफ्रिन और रोकोल इनमें से कोई भी डिटर डिटर्जेंट जो भी वो यूज़ कर सकते हैं और साथ में आपने लेमिनार एयर फ्लो की ये वाली सिक्स भी आपको पता होगी लेमिनार एयर फ्लो जो होता है उसमें यू लाइट की यू लाइट जो है वो हमें मतलब तो प्रोवाइड की गई होती है जो यू रेज हैं उसके अंडर हम अपने प्लांट प्रोडक्ट को सॉरी प्रोडक्ट तो नहीं हुआ भी लेकिन जो हमारा कल्चर मीडिया है और स्टरलाइज्ड uh, प्लांट है स्टरलाइज्ड प्लांट तो नहीं उसको तो नहीं रखेंगे जो टिश्यू है उसको यू वी रेज के अंडर तो नहीं रखेंगे लेकिन जो कल्चर मीडिया है उसको हम यू वी रेज के अंडर रखेंगे उस टाइम तक ताकि उसके अंदर जो कंटेमिनेट्स हैं वो रिमूव हो जाए तो ये भी पढ़ चुके हैं हम कि कैसे कैसे इसको ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये कंडीशंस हैं कुछ एक जो कि हमें चाहिए होती हैं बाकी आप जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं उनके बारे में भी आप लिख सकते हो कि क्या क्या चाहिए एक तो ऑटो चाहिए लैमिनार एयर फ्लो चाहिए और बाकी आप छोटे मोटे जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कल्चर वाइल्स जो भी चाहिए होते हैं फ्लास्क चाहिए होता है या फिर ट्यूब्स टेस्ट ट्यूब चाहिए होते हैं या ग्लास ट्यूब चाहिए होती है तो वो आप लोग जो है वो इसको डिस्कस इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि आपने ये एक्सपेरिमेंट कर रखा है ठीक है तो ये सब चीज़ें वो आप लिख लोगे कि आपको छोटी मोटी चीज़ें जो ग्लास रोड चाहिए स्टिररर चाहिए या फिर कोई भी चीज़ जैसे कल्चर मीडिया के अंदर जब आप कल्चर मीडिया के जो इंग्रेडिएंट धीरे धीरे डालते हो तो उसको स्टिर करना जरूरी होता है तो ग्लास रोड या फिर स्टेरर वगैरह चाहिए होता है और लेमिनार एयर फ्लो और बाकी चीज़ें छोटी मोटी जो भी बच गई होंगी वो आप लिख सकते हो और साथ में ये है हेप्लॉइड कल्चर के बारे में भी करते हैं कुछ हेप्लॉइड कल्चर आएगा इसके सबसे पहले जो है वो हैप्लॉइड कल्चर इन्होंने एक्सप्लेन किया है तो ये कल्चर मीडिया ये तो मुझे लगा कि ऊपर ही डाल दी मैंने चलो कोई बात नहीं डिकस ही करना है ना तो यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ सम मीडिया यूज्ड फॉर इन कल्चर ऑफ प्लांट टिश्यूज तो इसमें क्या है के एन ओ थ्री एच एन फोर एनएच फोर एन ओ थ्री तो ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी बताई मॉडिफाइड वाइट मीडियम अगर व्हाइट मीडियम में अगर करना हो यूज़ तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी होनी चाहिए और मूरे और स्कूब मतलब एम एस मुरे स्कूब मीडियम में यूज़ करना है तो के एन ओ फोर जो के एन ओ थ्री जो हो वो नाइनटीन हंड्रेड एम जी पर लीटर मतलब तो मिलीग्राम पर लीटर इतना लेना है तो इस चीज़ ये सारी चीज़ें जो हो वो अगर निच्च मीडियम यूज़ करना है निगाटा मीडियम और टेकेबे मीडियम जो है वो यूज़ करना है तब हमें इतने इतने परसेंट लेने पड़ेंगे तो ये इनऑर्गेनिक साल्ट हैं ये सारे जो है वो ये वाली चीज़ें जो इनऑर्गेनिक साल्ट हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ठीक है ये सारे के एल की मतलब मैग्नीशियम कंटेनिंग सल्फर कंटेनिंग और आयरन कंटेनिंग सारे के सारे जो वो मैक्सिमम में वाटर ट्रॉपलेट्स जो वो प्रजेंट और ये ऑर्गेनिक साल्ट नियासिन देखिए ये सारे ऑर्गेनिक साल्ट हैं ग्लाइसिन और फोलिक एसिड भी चाहिए होता है इसको आई ए ए और आई ए एन ए ये क्या है ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं ठीक है ये चीज़ें क्या है साथ में ग्रोथ रेगुलेटर की तरह काम करती हैं काइनेटिन भी तो ये चीज़ें हैं जिसको हम कल्चर मीडिया में यूज़ कर सकते हैं ठीक है ठीके? अब नेक्स्ट हमारी जो प्रोसेस है उसको हम मैथडोलॉजी है या फिर इसको हम बोलते हैं ए रेशन हमें ए रेशन जो है वो प्रॉपर चाहिए होती है जिसके हम बारे में पढ़ भी चुके हैं थोड़ा धुंधला हो गया एरेशन के बारे में क्या बताया गया है प्लांट टिश्यू कल्चर शुड बी अकाउंट फॉर द प्रॉपर एरेशन ऑफ द कल्चर टिश्यू। प्रॉपर इसकी एरेशन होनी चाहिए कल्चर टिश्यू की एंड इफ़ द टिश्यू ग्रोन ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड मीडियम इट एक्वायर्स एन ऑफ एरेशन विदाउट स्पेशल डिवाइस एनऑफ एरेशन हो जाती है इसकी विदाउट स्पेशल डिवाइस जो अगर हम पूरे के पूरे जो जितने जितनेरेशन के रूल्स जो है वो फॉलो करें अगर सॉलिड सरफेस के ऊपर ग्रो करें तब एरिएशन जो है वो मिल मिल जाती है विदाउट एनी स्पेशल डिवाइस हाउ एवर इफ़ द लिक्विड मीडियम इज एम्प्लॉयड अगर मीडिया जो वो है tissue, uh, मतलब, जो वो लिक्विड है द टिशू वी गेट सम मर्ज मतलब देन टिशू जो है वो कैसा होगा सब मर्ज होगा इन टू द लिक्विड मीडिया इन सच सिचुएशन सीचुएशन स्पेशल डिवाइसेस इज टू बी अडॉप्टेड फॉर द प्रॉपर एरेशन ऑफ द टिशू उसको ऑक्सीजन और आ, हवा की जो भी ज़रूरत होती है तो उसको उस तक जो वो हवा मतलब प्रॉपर एरेशन पहुंचाने तक के लिए हमें क्या करना पड़ता है एक स्पेशल डिवाइस का यूज़ करना पड़ता है वन पॉसिबिलिटी टू यूज़ द फिल्टर पेपर ब्रिज या तो फिर हम फिल्टर पेपर ब्रिज यूज़ कर सकते हैं बीच में हम फिल्टर पेपर ब्रिज का यूज़ करें जिसके ऊपर जो वो हम टिशू को रखें और उसके ऊपर जो वो लिक्विड मीडिया डालें वूज टू लेग्स रिमेनिंग डिप्ड उसकी जो दो लेग्स हैं वो डिप रहेंगी कल्चर मीडिया में एंड होरिजेंटल पार्ट होरिजेंटल पार्ट कैरिंग द टिश्यू इज अबव द लेवल ऑफ द मीडियम तो लेवल अबव द लेवल ऑफ द मीडियम जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट हो तो नीचे दो जो चीज़ें हैं उसके दो किनारे जो होंगे फिल्टर पेपर के वो कैसे होंगे कल्चर मीडिया के अंदर डिप्ड रखेंगे और बीच वाला पोर्शन जो है वो कैसा रखेंगे उसके ऊपर कल्चर जो टिश्यू जिसका कल्चर करना है वो उसके ऊपर रखा जाता है या एजिटेशन ऑफ द मीडियम बाय प्रेशर बाय पासिंग थ्रू द फिल्टर स्टरलाइज्ड एयर ऑल्सो सर्व्स द प या फिर हम जो वो फिल्टर स्टरलाइज्ड एयर जो है वो उसके बीच में पास करते हैं मोर कॉमनली हाउ एवर एरेशन इन लिक्विड कल्चर इज प्रोवाइडेड बाई शेकिंग द फ्लास्क एंड ट्यूब्स ऑन द ऑटोमेटिक शेकर उसको हम मतलब ऑटोमेटिक शेकर के थ्रू या फिर फ्लास्क को शेक हैंड शेक के थ्रू मतलब हैंड शेक वैसे नहीं हाथ से जो वो शेकिंग करें उसके थ्रू भी जो वो प्रॉपर एरेशन हो सकती है बिसाइड द प्रॉपर

के ऊपर जो कि है हमारे सिलेबस में प्लांट टिश्यू कल्चर में आपके सिलेबस में ये चीज़ें तो एक एम्रीकल्चर तो हम लोग कर ही चुके हैं ठीक है एम्रीकल्चर इसमें कर ही चुके हैं हम तो ये मेथड्स हैं तो मेथड में फर्स्ट जो है वो हैप्लोइड इंडक्शन या फिर प्रोडक्शन ऑफ हेप्लोइड है तो हेप्लोइड का मतलब आपको पता है अपलोड वर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है तो आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको पहले ये ही बता देती हूँ आपके सिलेबस में सबसे पहले मैथड्स ऑफ टिश्यू कल्चर है ठीक है मैथड्स एंड टेक्निक्स तो ये सारी टेक्निक्स आ गई आपके जो भी आप जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो और बाकी जो टेक्निक्स हैं जैसे स्टरलाइजेशन के लिए क्या यूज़ कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी टेक्निक्स के अंदर ठीक है टेक्निक्स के अंदर अब आ जाएंगे मेथड्स, तो मेथड्स के अंदर आएंगे हेप्लोइड इंडक्शन ये सेकेंड पॉइंट है आपकी यूनिट का हेप्लोइड इंडक्शन और उसके बाद प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड कल्चर एंड फ्यूजन और उसके बाद एप्लॉयड एक्सपेक्ट ऑफ टिश्यू कल्चर इसको कल्चर को हम कहाँ एक्स आ, अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर आएगी क्लोनल प्रोपगेशन प्रोपिगेशन ऑफ पैथोजन फ्री प्लांट्स जॉम प्लाजम स्टोरेज एंड कंजर्वेशन तो ये लास्ट यूनिट है हमारी इसके अलावा हमारे पास टॉपिक बचते हैं कुछ जैसे सीड डॉर्मेंसी सीड डोर्मेंसी मैंने आपको मैक्सिम uh, आप बच आपको किसी के किसी बच्चे को मैंने असाइनमेंट दी है तो सीड डॉर्मेंसी वाली यूनिट थोड़ी आसान जैसी है तो उसको करने से पहले जो है वो मैं बाकी के जो कन्फ्यूज़न है आपको वो क्लियर जरूर करवा दूँगी अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो बाकी इसके अलावा एक पोलन एलर्जी बचता है मेरे को करवाने के लिए और इकोलॉजिकल एनाटॉमी बाकी आई थिंक सारा सिलेबस जो है वो इसके अलावा कंप्लीट है तो ये लास्ट यूनिट बचती है जो कि मेरे लिए करवाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो एप्लोइड प्रोडक्शन या फिर हेप्लॉइड इंडक्शन तो हेप्लोइड आपको पता है हेप्लोइड मतलब कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो दैट इज कॉल्ड द हेप्लोइड तो इसमें क्या किया जाता है इन विट्रो कल्चर ऑफ एंथर सबसे पहले जैपनीज साइटोलॉजिस्ट थे शिमाकूरा ठीक है ये बाद में पढ़ते हैं जो पेज पे लिखा है शिमाकूरा जेपनीज़ साइटोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि एंथर को कल्चर करके देखा ठीक है आपने एंथर एंथर के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये भी पढ़ा था कि एंथर से पूरा का पूरा प्लांट भी बनाया जा सकता है जो एंथर है उसके जो बलन ग्रेन है उससे भी पूरा का पूरा प्लांट बनाया जा सकता है तो उन्होंने सबसे पहले एंथर को कल्चर किया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजी ऑफ म्यूसिस उन्होंने इसलिए उसको कल्चर किया कि जो उसके अंदर एंथर के अंदर म्यूसिस हो रही है उसको स्टडी करने के लिए किया ठीक है उन्होंने सोचा कि मैं म्यूसिस को स्टडी करूँगा कि इसके अंदर जो भी म्यूसिस वो कैसे हो रही है ठीक है और उसके बाद गुहा एंड महेश्वरी गुहा एंड महेश्वरी ये साइंटिस्ट महेश्वरी इंडियन साइंटिस्ट थे एंड

कोकोनट मिल्क उन्होंने क्या नोटिस किया कि अगर न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है काइनेटिन प्रेजेंट है और कोकोनट मिल्क प्रेजेंट है ग्रेप जूस प्रेजेंट है और न्यूम्रिस एम्ब्रियो क्योंकि ग्रेप जूस प्रेजेंट है न्यूम्रिस एम्ब्रियो अपेयरड फ्रॉम द इनसाइड द एंथर एंथर के बीच में से ही क्या नजर आने लगा उस मीडियम में उन्होंने डाला क्या था कैनेटिन डाला था कोकोनट मिल्क डाला था ग्रेप जूस डाला था तो उसी से क्या निकल आया वहां पे न्यूमरस एम्ब्रियो नजर आने लगे न्यूमरस एम्ब्रियो अपेड इनसाइड द एंथर इनसाइड द एंथर वहां पे उसको उनको नजर आने लगा क्या एम्ब्रियो

वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक ऑफ एंथर एंड पोलन कल्चर फॉर प्रोड्यूसिंग द एंड्रोजेनिकॉइड्स इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स बोल रहे हैं ठीक है तो ये एंड्रोजेनिक एंड्रोजेनिकॉइड मतलब कि मेल जो मेल जो पार्ट है उससे क्या बना रहे हैं बनाए जा रहे हैं तो विट्रो एंड्रोजेनेसिस जो वो अब तक इन विट्रो एंड्रोजेनेसिस की जा चुकी है कितनी वन थर्टी फोर स्पीशीज़ की अन वन थर्टी फोर स्पीशीज ऑफ एंजियोस्पर्म इनकी जो वो एंड्रोजेनेसिस की जा चुकी है तो मतलब एंड्रोजेनेसिस मतलब कि एंथर कल्चर करके जो वो इसका एम्ब्रियो जो वो बना चुके हैं और हाइब्रिड इसके, इसके थ्रू जो वो हाइब्रिड बना चुके हैं थर्टी फाइव फैमिलीज में और इन प्लांट्स के अंदर कौन कौन इंक्लूड है क्रॉप प्लांट्स सबसे ज़्यादा इसमें इंक्लूड किए गए हैं बारले मस्टर्ड मेज़ पोटैटो राइस टोमेटो वही व्हीट और साथ में एंड्रोजेनेसिस के साथ साथ गाइनोजेनेसिस भी यूज़ की गई अब एंड्रोजेनेसिस का पता चल गया कि एंड्रोजेनेसिस मतलब कि जो मेल पार्ट है यानी कि पोलन ग्रेन है या एंथर है उससे अगर हेप्लॉइड इंडक्शन हो सकती है हेप्लोइड प्रोडक्शन हो सकती है तो क्यों ना जो फीमेल पार्ट है यानी कि गाइनोशियम है उससे भी जेनेसिस की जाए एक नए प्लांट की ठीक है तो वो चीज़ भी यहाँ पे की जाती है तो इसके लिए भी टेक्निक्स जो है वो यूज यूज़ किए जाते हैं कल्चर किया जाता है या फिर पोलन कल्चर किया जाता है एंड्रोजेनेसिस के अंडर जो है वो क्या होगा एंथर कल्चर पोलन कल्चर और वो भी कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर होगा और दूसरी चीज़ इसके अंदर आएगी कल्चर मीडिया भी इसके लिए स्पेशल यूज़ किया जाएगा बाकी फिजिकल फैक्टर्स इसके लिए चाहिए होंगे प्रॉपर फिजिकल फैक्टर ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए होगा और एक मीडियम तो जो हैप्लोइड प्रोडक्शन है ना हैप्लोइड प्रोडक्शन इंडक्शन ऑफ हैप्लोइड है तो उसके अंदर एंड्रोजेनेसिस और गाइनोजेनेसिस दोनों ही चीज़ें आएंगी ठीक है तो बाकी के बारे में जो हम कल पढ़ेंगे हैप्लोइड प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इन्होंने हैप्लोइड प्रोडक्शन कैसे उसके मेथड भी अलग अलग है, हैप्लोइड प्रोडक्शन के तो फर्स्टली प्रोडक्शन ऑफ हैप्लोइड्स कैसे किया है यहाँ पे काशा एंड काओ इन 1970 रिपोर्टेड द नोवल टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हेप्लोइड्स इन द बार्ले यहाँ पे इन्होंने हेप्लोइड कैसे बनाए इन्होंने क्या किया दिस मेथड इन्वॉल्व द क्रॉसिंग ऑफ ऑडियम बल्गैर एंड जिसके पास कितने क्रोमोसोम थे फोर्टीन ठीक है और हॉडियम बल्बोसम जिसके पास भी फोर्टीन टिप्लोइड कंडीशन में अब इन्होंने क्या किया होल्डम बल्गैर और होल्डिम बर्ग बल्बोसम के बीच में क्या करवाया क्रोस करवाया ठीक है तो साथ साथ चौदह क्रोमोसोम जो है वो जयगोट में आएंगे ठीक है तो बीबी -बी और बीबी -बी जो दूसरा वाला मतलब इसमें हाइब्रिड बन गया ये लेकिन हाइब्रिड जो है इसमें क्या किया इन्होंने क्रोमोसोम एलिमिनेशन कर दी जायोट में ऑफ हाइड हाइब्रिड जो हॉर्डियम बल्बोसम बल है उसके क्रोमोसोम को निकाल दिया ठीक है उसके क्रोमोसोम को निकाल दिया और यंग एम्ब्रियो जो है वो कैसा बना हैप्लोइड बना ठीक है और उस एम्ब्रियो को आगे कल्चर किया गया और उसके क्रोमोसोम डबलिंग कर दी गई तो उसकी क्रोमोसोम डबलिंग करके फिर उसको हैप्लोइड प्लांट ऑफ हॉर्डियम बलगैर तो होडिंग बुलगैर का जो हैप्लोइड प्लांट है उसके अंदर वी बी कंडीशन होगी और फोटीन उसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे तो इससे भी उन्होंने हेप्लोइड प्रोडक्शन कर दी हैप्लोइड प्रोडक्शन जो है वो इतनी वैसे इन्होंने इस तरीके से करी लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि वैसे भी तो हेप्लोइड प्रोडक्शन हो सकती है इसमें क्रॉस करवाने की क्या जरूरत थी जब इन चीज़ों का जो है वो नहीं पता था तो इसमें सिर्फ क्रोमोसोम ही निकालने थे बाकी कोई कुछ भी नहीं करना था बाकी कोई कल्चर मीडिया वगैरह जो वो नहीं देना था ठीक है तो क्रोमोसोम रिमूव करके बाकी एम्ब्रियो तो बना ही हुआ था तो उसमें डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए जो हाँ है वो हैप्लोइ प्रोडक्शन यहाँ पर एक नया मेथड यूज़ किया गया तो इसमें ओवरकमिंग सीड डोरमेंसी तो यहाँ पे फ़ायदा है शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीडिंग साइकिल जैसे रोज़ प्लांट जो है उसमें एक साल लगता है एक नए अगला जो एम्ब्रियो बनाने के लिए तो उसमें एम्ब्रियो कल्चर करने के लिए हमें बहुत सारे मंथ्स या फिर बहुत सारे दिनों तक जो वो वेट नहीं करना पड़ेगा प्रोपिगेशन ऑफ़ रेयर प्लांट्स बनाना और कैलोकेशिया उसकी प्रोपिगेशन कर सकते हैं हम प्रोपिकेशन ऑफ औरचिड्स तो ये टिश्यू कल्चर की जो है कैरेक्टरसिक्स हैं क्लोनल माइक्रोप्रोपिगेशन और सीड वाइबिलिटी टेस्ट जो हो सकते हैं एम्ब्रीकल्चर की डिसएडवांटेजेस बता बताई हुई हैं टाइम काफ़ी हो चुका है चलो बाकी हैप्लोइड प्रोडक्शन जो वो इंडक्शन कल पढ़ेंगे।

फोर नाइनटीन सेवनटीन एटीन सिक्स थ्री वन टेन रोल नंबर ट्वेल्व रोल नंबर फिफ्टीन रोल नंबर नाइन रोल नंबर नहीं है नाइन फिफ्टीन कहाँ पे है जी फिफ्टीन रोल नंबर एट एंड इलेवन आर एबसेंट टुडे ठीक है फिर कल मिलते हैं कल होंगी अब आपकी क्लास हैप्लोइड इंडक्शन और हैप्लोइड प्रोडक्शन जो वो बताऊँगी कैसे की जाती है Okay, now I'm ending the live stream session.